गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर टूडेज क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन इट योर होम। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की क्लास अटेंड करेंगे एंड इंग्लिश की क्लास में आज हमारा टॉपिक क्या है, देखिए, यूज ऑफ यस एंड नो। ये आपकी रेनबो वाली बुक है, इसका पेज नंबर 25 आज हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास वाली वीडियो वॉच की है मैम की आपने? मैम ने कल पेज नंबर 24 करवाया था, इसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ था, यूज ऑफ यस एंड नो। मतलब यूज करना है आपको यस एंड नो को, ओके। यस का यूज कहाँ करते हैं, नो का यूज कहाँ करते हैं, ये मैम ने कल आपको समझाया था। मैम अगेन आपको एक बार और समझाएंगे, यस इज यूज फॉर पॉजिटिव आंसर, नो इज यूज फॉर नेगेटिव आंसर। मतलब जो सही चीज होती है वहां हम यस करते हैं और जो रॉन्ग चीज होती है वहां हम नो बोलते हैं। जैसे कि आपको अगर डिनर करना होता है तो आप, मम्मा बोलती है ना कि बच्चों डिनर कर लीजिए, तो आप बोलते हो ना कि यस मम्मा, और अगर आपको नहीं करना होता है तो आप क्या बोलते हो, नो मम्मा, मुझे डिनर नहीं करना है। ऐसे ही यस और नो का यूज किया जाता है, ठीक है। कल हमने इसको पढ़ा था, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी है, सर्कल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है और स्पेलिंग दी हुई है, अगर पिक्चर देखकर स्पेलिंग सही हुई तो यस, और अगर पिक्चर देखकर स्पेलिंग रॉन्ग हुई तो वहां नो पर हम सर्कल बनाएंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट पिक्चर है, ये क्या है, ये मून, मून है ये, MOON, स्पेलिंग क्या है, MOON, राइट है स्पेलिंग, तो हम यस पर सर्कल बनाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको यस और नो दोनों की स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए, YES यस, NO नो, YES यस, NO नो। मैम ने आपको 2 बार लर्न करवा दी है, लास्ट क्लास में भी मैम ने लर्न करवाई थी और मैम आज भी लर्न करवा रहे, क्योंकि हमारी जो आगे की एक्सरसाइज आएगी उसमें ये स्पेलिंग्स यूज आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मून था, इसलिए हमने यस पर सर्कल किया है। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये इसे आप हैट भी बोलते हैं, कैप भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या स्पेलिंग बनी हुई है, MAP, मैप। क्या ये मैप है, क्या ये मैप का पिक्चर है, मैप मींस तो नक्शा होता है, और ये नक्शे का पिक्चर है ही नहीं, तो यहाँ पर आएगा NO, ओके। फिर नेक्स्ट पिक्चर देखिए स्टूडेंट आप, ये क्या है, रेट, रेट है ना ये, आपने पिक्चर देख के आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये रेट है, तो यहाँ पर आप स्पेलिंग पढ़ेंगे RAT, रेट, तो ये RAT रेट स्पेलिंग राइट है, तो हम यस पर सर्कल बनाएंगे, YES, यस पर सर्कल बना दिया। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे, ये क्या बनी हुई है, पेंसिल, अब हम स्पेलिंग पढ़ेंगे BOOK, बुक, क्या ये बुक है, नहीं, नो, तो यहाँ पर नो, NO, क्योंकि ये तो पेंसिल है लेकिन स्पेलिंग तो दूसरी बनी हुई है, इसीलिए ये नो पर सर्कल बनाएंगे हम। आ रहा है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है कि मैम आपको कैसे बता रहे हैं? फिर आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये क्या बना हुआ है, मंकी, अब स्पेलिंग पढ़ेंगे MONKEY, मंकी, स्पेलिंग राइट है, यस, तो यहाँ पर यस पे सर्कल बनाएंगे, YES, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये क्या बनी हुई है स्टूडेंट्स, पिक्चर गर्ल, गर्ल बनी हुई है, अब इसकी स्पेलिंग हम पढ़ेंगे, नीचे क्या स्पेलिंग लिखी हुई है, GIRL, गर्ल, यस, ये गर्ल की पिक्चर बनी हुई है और ये भी गर्ल है, तो हम यहाँ पर सर्कल बनाएंगे, ओके, क्योंकि ये गर्ल है और यहाँ पे भी गर्ल का पिक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट आप, ये काई का पिक्चर है, आपको अच्छे से पता है ना, ये ऑरेंज का पिक्चर है, अभी ऑरेंज का सीजन चल रहा है, इसी खट्टी खट्टी सी ऑरेंज, स्वीट सी रहती है ना ऑरेंज, आप ईट करते हो ना। अब इसकी स्पेलिंग देखेंगे, MANGO, मैंगो, लेकिन मैंगो तो है ही नहीं है, स्पेलिंग गलत है, क्योंकि यहाँ तो ऑरेंज है, तो यहाँ ऑरेंज की स्पेलिंग होनी चाहिए थी, तो नो पर सर्कल बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पिक्चर देखिए स्टूडेंट, ये पिक्चर काई का बना हुआ है, हैन का, काई का बना हुआ है ये, हैन का, अब यहाँ पे स्पेलिंग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बना हुआ है स्पेलिंग PARROT, पैरट, स्पेलिंग तो पैरट का बना हुआ है और ये तो हैन है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा नो,
ठीक है, आया समझ में आपको? इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपनी बुक के अंदर ही, पेज नंबर 2525। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।